Good morning, students. How are you all? Fine. Okay, let's start the session. Today, the subject is Math Magic Workbook. Take out your Math Magic Workbook. Standard 1. First standard. Chalo, how many units we have done? Unit number 1, 2, 3, 4 and 5, right? So, today we will start a new unit. Unit number 6. Chalo, what is the name of unit? Time. क्या नाम है यूनिट का? टाइम. टाइम मतलब क्या होता है आप सबको पता है, राइट? चलो, टाइम में आपको क्या बताया जाएगा कि आप डेली अपना जो टाइम है वो कैसे स्पेंड करते हो, कितने आवर्स होते हैं वो कहाँ पे स्पेंड करते हो, राइट? तो आपकी जो रूटीन होती है डेली, जो आपकी टाइम स्पेंड करने की जो टेबल होती है, टाइम टेबल जो होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. चलो यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंड द रूटीन एज अ स्टूडेंट. चलो आप क्या हो? अभी एक स्टूडेंट हो, राइट? कौन हो? अभी स्टूडेंट हो. तो आपकी जो डेली रूटीन होती है उसमें आप टाइम का कैसे स्पेंड कर और टाइम को कैसे स्पेंड करते हो, तो वो यहाँ पे दिखाया जाएगा. चलो फर्स्ट नंबर वन देखो, पिक्चर देखो. वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सबसे पहले आप सुबह क्या करते हो? वेक अप अर्ली, क्योंकि आपको स्कूल जाना होता है तो सुबह जल्दी उठते हो आप मॉर्निंग में. देन क्लीन द टीथ एंड टंग. क्या करते हो उसके बाद? ब्रश करते हो. यस, अपनी जो टीथ होते हैं और टंग होती है उनको क्लीन करते हो ब्रश से. देन टेक अ बाथ. उसके बाद क्या करते हैं? हम बाथ लेते हैं, शावर लेते हैं. पहले आप जल्दी से उठते हैं, उसके बाद क्लीन करते हैं हमारी जो टीथ और टंग होते हैं, उसके बाद शावर लेते हैं, बाथ करते हैं, उसके बाद गेट रेडी स्कूल के लिए. गेट रेडी होते हो, रेडी हो जाते हो. देखो तो यहाँ पे पिक्चर में उसकी जो ममा है, तो आपकी भी ममा आपको रेडी करती है. यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये स्कूल का यूनिफॉर्म है. देन टेक अ ब्रेकफास्ट. क्या करते हो? ब्रेकफास्ट ईट करते हो. यस, देन गो टू स्कूल. कहाँ पे जाते हैं हम? स्कूल में जाते हैं. उसके बाद स्टडी इन स्कूल. क्या करते हो? स्टडी करते हो स्कूल में. देन टेक अ लंच इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में आप क्या करोगे? आप स्कूल में ही होते हो, वहां पे आप लंच करते हो, आपकी मम्मा ने आपको लंच दिया हुआ होता है. देन कमिंग बैक टू स्कूल होम फ्रॉम बैक टू होम फ्रॉम स्कूल. चलो कमिंग बैक टू होम, फिर वापस घर आ जाते हो. उसके बाद क्या करते हो? शाम को इवनिंग में आप प्ले विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ आप प्ले करते हो. देन होमवर्क, आपको जो होमवर्क दिया गया है या फिर आपको प्रैक्टिस करनी हो, स्टडी करनी हो, तो वो आप करते हो रात को सोने से पहले. और उसके बाद गो टू स्लीप अर्ली. उसके बाद जल्दी से सुबह, क्योंकि आपको सुबह जल्दी से मॉर्निंग में जल्दी से उठना होता है, तो आप अर्ली सो जाते हो रात को, राइट? चलो यहाँ पे देखो अभी. राइट द करेक्ट ऑर्डर इन द ऑर्डरिंग अकॉर्डिंग टू द रूटीन. चलो आपका जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पिक्चर पे करेक्ट करना है. चलो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला पिक्चर क्या है ये? सबसे पहले आप सुबह जल्दी से उठते हो, आगे हमने देखा वैसे ही. उसके बाद क्लीन योर टीथ एंड टंग नंबर टू. उसके बाद शावर टेक अ बाथ. तो यहाँ पे शावर का पिक्चर नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो? उसके बाद गेट रेडी. सो हियर इज गेट रेडी नंबर थ्री. उसके बाद नंबर फोर क्या आएगा? नंबर फोर, वेयर इज नंबर फोर? हियर नंबर फोर. आप ब्रेकफास्ट करते हो, उसके बाद स्कूल बस आती है, तो आप स्कूल बस में बैठ जाते हो नंबर फाइव. वन टू थ्री फोर फाइव. उसके बाद स्टडी करते हो. क्या करते हो? स्टडी करते हो. तो नंबर सिक्स यहाँ पे. उसके बाद बैक टू स्कूल फ्रॉम बैक टू होम फ्रॉम द स्कूल नंबर सेवन. बैक टू होम फ्रॉम द स्कूल एंड स्टडी. क्या करते हो आप? स्टडी और होमवर्क. डू योर होमवर्क और स्टडी नंबर एट. डन. चलो फर्स्ट वाला, आप जल्दी से उठते हो सुबह अर्ली मॉर्निंग, वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग. देन गो टू द बाथरूम एंड क्लीन योर टंग एंड टीथ. देन गेट रेडी फॉर द स्कूल, ईट योर ब्रेकफास्ट. देन बस इज अराइविंग, यू आर सिटिंग इन द बस एंड गोइंग टू स्कूल. नाउ यू आर स्टडिंग इन द स्कूल एंड देन एट द आफ्टरनून यू आर कमिंग बैक होम फ्रॉम द स्कूल एंड एट द इवनिंग और नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप यू डू योर होमवर्क और प्रैक्टिस. नाउ लुक हियर, पुट राइट इन द गिवन बॉक्स फॉर द एक्टिविटीज डन इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू द रूटीन. चलो यहाँ पे क्या करना है? पुट द गिवन, पुट राइट इन द गिवन बॉक्स फॉर द एक्टिविटी. ऐसी एक्टिविटी जो आप मॉर्निंग में करते हो रूटीन में. सबसे पहले क्या करते हो? चलो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उठे हो, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? सोते हो. ओके, ये स्लीपिंग का पिक्चर है, ये ईटिंग का है, ये टीवी वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, और ये
ब्रश कर रहा है तो सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला आएगा, क्या आएगा, ओनली दिस वन, क्योंकि आप मॉर्निंग में क्या करते हो, सबसे पहले मॉर्निंग में सोते हो, ईटिंग करते हो या टीवी देखते हो या ब्रश करते हो, तो यहाँ पे ओनली क्लीनिंग योर टीथ एंड टंग. उसके बाद पुट इन द गिवन बॉक्स फॉर द एक्टिविटी डन इन द आफ्टरनून अकॉर्डिंग टू द रूटीन. चलो अब क्या करते हो, आफ्टरनून में बाथ लेते हो, प्ले करते हो, खाना खाते हो या ब्रश करते हो, क्या करते हैं, प्ले करते हैं. तो यहाँ पे राइट करो प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स. नाउ पुट राइट इन द गिवन बॉक्स फॉर द एक्टिविटी डन ड्यूरिंग द इवनिंग अकॉर्डिंग टू द रूटीन. चलो आप इवनिंग में क्या करते हो, ड्रीम, ये देखो सो रही है, शी इज स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग समथिंग, देन हियर इज शी इज राइटिंग, शी इज स्लीपिंग एंड शी इज गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, ही इज गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल. तो आप इवनिंग में क्या करते हो, स्टडी करते हो, राइट, क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे स्टडी पे राइट करो, उसके बाद पुट द पुट राइट इन द गिवन बॉक्स फॉर द एक्टिविटी डन एट द नाइट. चलो हम रात को क्या करते हैं, बात करते हैं, शावर लेते हैं, प्लेइंग करते हैं, स्कूल जाते हैं या सो जाते हैं, सो जाते हैं. डन, नाउ टर्न द पेज. चलो अभी देखो, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर टू द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग रोटी. चलो रोटी बनाने की यहाँ पे एक्टिविटी है, तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डो बनाना होता है, राइट. रोटी किससे बनती है, डो से बनती है, आटे से बनती है. तो सबसे पहले यहाँ पे, चलो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये जो आटा है, ये जो डो किसे बनता है, आटा से बनता है. तो उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्लोरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्लोर में. तो नंबर वन, उसके बाद यहाँ पे देखो एक पैन में उसको निकाला जाता है, नंबर टू, उसके बाद उसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे, नंबर थ्री, देन देखो वो डो कैसे बना रहा है, अपना हैंड का यूज करके कर रहा है, देन नंबर फोर, उसके बाद उसको क्या बनाना पड़ता है, रोटी बनाने के लिए उसको बेलन का यूज करके उसको बनाया जाता है, राउंड शेप दिया जाता है, राइट, नंबर फाइव, उसके बाद खा लिया जाता है, नंबर सिक्स. उसके बाद यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी इन द बॉक्स. चलो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टिच करने के लिए ऊपर देखो, सबसे पहले उसका जो शर्ट है उसको स्टिच करना है, राइट. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, नंबर वन, यहाँ पे देखो कटिंग हो रहा है, उसके बाद मेजर से उसको नाप लिया जाता है, नंबर टू, उसके बाद क्या किया जाता है, देखो ये स्टिचिंग कर रही है, नंबर थ्री, उसके बाद ये रेडी हो गया है, नंबर फोर, और यहाँ पे पैन लिया है, नंबर फाइव. फिर नीचे देखो, रोटी बनाने के लिए मम्मा क्या कर रही है, सबसे पहले डो बना रही है. तो नंबर वन यहाँ पे देखो डो बना रही है, उसके बाद क्या कर रही है, यहाँ पे उसको बैलन से शेप दिया जाता है, नंबर टू, उसके बाद उसको यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है, रोस्ट किया जाता है, रोटी को क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं. तो यहाँ पे नंबर थ्री, फिर यहाँ पे उससे ये गर्ल को दे दिया, नंबर फोर, और जो गर्ल है वो ईट कर रही है, नंबर फाइव. टर्न द पेज. नाउ लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फादर्स डेली रूटीन. चलो पापा क्या करते हैं, पापा का यहाँ पे डेली रूटीन है वो आपको दिखाना है. चलो सबसे पहले तो पापा क्या कर रहे हैं देखो, चलो सबसे पहले पापा सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे, कहाँ जा रहे, मॉर्निंग वॉक के लिए. सबसे पहले उठ के वो मॉर्निंग वॉक जाते हैं, उसके बाद टी, ही इज हैविंग टी, नंबर टू, उसके बाद ब्रेकफास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, नंबर थ्री, ब्रेकफास्ट, उसके बाद ऑफिस, ही इज गोइंग टू ऑफिस, नंबर फोर, नाउ ही केम बैक टू द होम एंड ही इज वॉचिंग टीवी, देन ही इज हेल्पिंग टू His children in their study number. Sorry, यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करवाएंगे, क्या करवाएंगे, स्टडी करवा रहे हैं. नंबर फोर इज हियर, आफ्टर कमिंग बैक टू होम ही इज हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू देयर स्टडी एंड आफ्टर दैन ही इज वॉचिंग टीवी, नंबर फाइव, एंड लास्ट वे ही वेंट टू स्लीप, नंबर सिक्स. डन, चलो उसके बाद ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द एक्टिविटी दैट टेक लॉन्गर टाइम एंड क्रॉस फॉर द एक्टिविटी दैट टेक शॉर्टर टाइम इन द गिवन. चलो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखो टैप का पिक्चर है, इसमें पानी का जा रहा है, एक टम्बलर में जा रहा है, राइट, और यहाँ पे एक बकेट में जा रहा है. तो सबसे ज्यादा किसमें टाइम लगेगा पानी भरने में, बाल्टी में, किसमें लगेगा, बाल्टी में. तो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी के लिए राइट करना है जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पे राइट करो और यहाँ पे क्रॉस करो. उसके बाद यहाँ पे देखो वन से लेके टेन तक काउंट में ज्यादा टाइम लगता है कि ये
जो लेस है वो बांधने में किसमें लगेगा, लेस को बांधने में, और यहाँ पे कम लगेगा। उसके बाद टाई में ज्यादा टाइम लगेगा या फिर हैंड वॉश करने में टाइम में ज्यादा और हैंड वॉश करने में कम। उसके बाद फोर यहाँ पे देखो, स्विमिंग में ज्यादा देर लगेगा या इसमें लगेगा, स्विमिंग में ज्यादा देर लगती है और इसमें कम टाइम लगेगा। देन यहाँ पे फाइव, इसका पिक्चर है, ये साइकिल में बाइसिकल में जल्दी से आप घर पहुंचोगे या वॉक करके, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा वॉक करने से देन साइकिल में ओछा। उसके बाद यहाँ पे देखो बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है या फिर लिखने में, राइट करने में यहाँ पे क्रॉस। देन पानी पीने में ज्यादा टाइम लगता है या खाना खाने में, और यहाँ पे बस एंड एरोप्लेन, किसमें आप जल्दी से पहुंच जाओगे, ट्रैवलिंग करोगे, इसमें बस में ज्यादा टाइम लगेगा, एरोप्लेन में कम लगेगा। उसके बाद साइकिल बाइसिकल है ये, और ये टू व्हीलर है, किससे ज्यादा टाइम लगेगा, बाइसिकल में। चलो अभी लेट्स डू इन द होमवर्क, तो ये आपको होमवर्क में करना है, मैच द एक्टिविटी डन इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और एट द नाइट। तो यहाँ पे आपको मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में मैच कर लेना है। तो ये आपका होमवर्क है, आज का होमवर्क है HW, टू पेजेस, कितने पेजेस करने हैं, टू पेजेस, ये वाला भी होमवर्क में है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।